इस तरीके से शादी थोप कर अपना फैसला सुनाकर उसे सजा मत बनाई कि ऋषभ और शर्लिन एक सिचुएशन में पाए गए इसलिए उनकी शादी करा दी जाए। क्या ये राखी जी, शादी तो वैसे भी इनकी होने ही वाली थी ना, लेकिन जिस तरीके से आप इन्हें सजा के तौर पर फैसला सुनाकर शादी करवाना चाहती हैं, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे जैसे मेरा बेटी ने कुछ क्राइम कर दिया, कुछ गुनाह कर दिया उसने। इस पागल खाने में ना सबके अपने अपने ओपिनियन है, मुझे और ज्यादा बेचारी बनने की एक्टिंग करनी पड़ेगी वरना ये राखी आंटी अपने पति या फिर करण की बातों में आ जाएगी और अपना डिसीजन चेंज कर देगी। अगर ऐसे हुआ तो हमारा पूरा प्लान चौपट हो जाएगा, मेरे लिए तो बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। मुझे और ज्यादा मेलोड्रामा करना पड़ेगा सो दैट राखी आंटी अपने डिसीजन पे अड़ी रहे। महेश जी, मैंने आपकी कभी कोई बात टाली है? मैं जानता हूँ आपने मेरी कभी कोई बात नहीं टाली और शुक्रिया मेरी बात को सुनने के लिए और समझने के लिए। मैं भी आपसे यही उम्मीद करती हूँ कि आप अपनी पत्नी को समझें, सुने, माने। आपने खुद कहा ना कि राखी जी आप मेरी बात कभी नहीं टालती, और अगर आज वही आपकी पत्नी आपकी बात टाल रही है तो इसका ये मतलब होता है कि मामला बहुत गंभीर है, सीरियस है। क्या बात है, गिल्ली डंडा प्लेयर की मदर भी क्रिकेटर। वाह राखी आंटी वाह, क्या सिक्सर मारा है आपने। प्लीज आज मैं आपकी भी नहीं सुनूंगी, ये शादी होगी, हर हाल में होगी, 15 दिनों में ये शादी होगी। नहीं करनी, मुझे ऋषभ जी से शादी नहीं करनी। चले सुना था कि प्रेगनेंसी में मूड स्विंग्स होते हैं, पर इस मूर्खों की महारानी को तो दौरे पड़ते हैं। शादी के लिए इतना ड्रामा किया, फिर अचानक से इसने शादी के लिए मना क्यों कर दिया? अब इसके पीछे कैसे जाऊं मैं, जाऊं या फिर यहां रह के सबकी बातें सुनूं कि ये लोग क्या प्लान कर रहे हैं? से रो रही हूँ, वहां से भी रोते रोते निकली। इतनी अच्छी एक्टिंग की रोने की, पूरे लूथरास में से कोई भी नहीं है मुझे मनाने के लिए। अकल है सबके सब। कर रहा हूं मैं तुम्हें क्या है? क्यों छोड़ के आए उस ड्रामा को? क्यों जिस पिक्चर को बनाने के लिए, जिसकी प्लानिंग करने के लिए हमने इतनी मेहनत की थी, उस पिक्चर को, उस ड्रामा को आधे में क्यों छोड़ के आए तुम? गॉड गॉड मत करो, सुनो मेरी बात। देखा नहीं तुमने, देखा नहीं किस तरह से ऋषभ लूथरा मुंह लटका के खड़ा हुआ था? देखा नहीं तुमने किस तरह से राखी आंटी उसको उसको डांट रही थी, उस पर गुस्सा कर रही थी? देखा नहीं तुमने किस तरह से पूरा परिवार उससे डिसअपॉइंटेड था? देखा नहीं तुमने किस तरह से सबको ये यकीन हो गया था कि तुम्हारे और उसके बीच में कुछ हुआ है? फिर उस पिक्चर को, उस ड्रामे को आधे में छोड़ के क्यों आई तुम? मैं जानबूझकर वहां से रोते हुए निकली क्योंकि मैं चाहती थी कि कोई मुझे मनाने आए, लेकिन मेरी किस्मत देखो आया भी तो कौन, तुम। क्यों तुम अपने आप को बिपाशा बासु समझती हो जो सब तुम्हारे पीछे पीछे आएंगे हर वक्त तुम्हें मनाने के लिए? कोई नहीं आएगा। तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि कम से कम मैं तो आया। इतनी अपसेट थी शर्लिन, पता नहीं कहां चली गई। सुनो अपनी स्मार्टनेस अपने पास रखो, तुम सिर्फ लोगों को मारने पीटने में स्मार्ट हो। जहां पे लड़कियों के इमोशंस की बात आती है ना, तुम जीरो हो, तुम्हें कुछ नहीं पता। अरे राखी आंटी ने तो अभी सब कुछ देखा है, इसीलिए इमोशंस और सच्चाई में बहकर उन्होंने अपनी जुबान दे दी। लेकिन तुम जानते हो ना राखी आंटी कैसी, थोड़ी देर में अपने पति और करण की बातों में आ जाएगी और अपने फैमिली को सपोर्ट करने लगेगी। इससे पहले कि वो अपना डिसीजन चेंज करती, मैंने उन सबका फोकस अपनी तरफ कर लिया, पर्पसली रोते हुए निकली वहां से, क्योंकि सबका ध्यान डाइवर्ट हो जाए, सब सिर्फ मेरे बारे में सोचे और यहाँ पे मुझे ढूंढते हुए। तुम्हें क्या लगता है इतनी आसानी से मान जाऊंगी मैं शादी के लिए? अरे ये राखी आंटी अपने बेटे की हरकत से इतनी हिली हुई है,
15 दिन तो छोड़ो, उनका बस चले ना तो अभी के अभी करते ही शादी। आने दो किसी को, फिर दिखाती हूँ शर्लिन खुराना क्या कर सकती है। कहाँ चली गई, कहीं नहीं दिख रही है यहाँ। देखो ये सब तुम मुझे हैंडल करने दो, मुझे पता है कि मैं क्या कर रही हूँ। और मेरा सबसे बड़ा रीजन वहां से भाग के आने का ये था कि उनको लगे कि मैं शादी से भाग रही हूँ। बहुत शौक है लोगों को शादी पोस्टपोन कराने का, ऐसे बिहेव कर रहे थे कि जैसे मेरी शादी नहीं करा रहे, मैं एक बेचारी लड़की हूँ, मुझे खैरात दे रहे। आने दो इन लोगों को, भीख मांगेंगे मुझसे कि प्लीज शर्लिन हमारे ऋषभ से शादी कर लो। इसे मैं नहीं मानूंगी, तुम्हें पता है क्यों? बिकॉज द टेबल्स हैव टर्न्ड, पहले मैं इनके पीछे पड़ी थी, प्लीज मेरी शादी करा दो, लेकिन अब ये मेरे पीछे पड़ी है। शादी तो अब भी मैं ही करना चाहती हूँ, लेकिन राखी आंटी को ये लगेगा कि मेरी शादी वो करा रहे। वाह बेबी, क्या बात है, तुम इतना भाव कब से खाने लगी? मेरा मतलब है अचानक से इतनी इंटेलिजेंट कब से हो गई तुम? जब से तुम बहुत टफर हो गए। अब एक काम करो, यहाँ से निकलो इससे पहले कि कोई आ जाए और हम दोनों को एक साथ देख ले। और अगर किसी को पता लग जाए कि मेरे पेट में जो बच्चा है हम ऋषभ के ऊपर थोपने जा रहे हैं, तो हम बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस जाएंगे। अरे तुम टेंशन मत लो, कोई नहीं आएगा यहाँ पर। क्यों? क्योंकि सब लोग वहाँ हॉल। मॉम, चुप। राखी पुत्र मेरी बात सुन, महेश जो कह रहा है ठीक कह रहा है। देख तू शादी की बात ऐसे कर रही है जैसे कोई सजा दे रही है, ये गलत है पुत्र, बिल्कुल गलत। क्या गलत कर रही हूँ मम्मी जी? शर्लिन और ऋषभ की शादी? लेकिन ये शादी तो हम वैसे भी कर रहे थे ना। एग्जैक्टली, लेकिन मॉम अभी नहीं, 6 महीने बाद। मैंने तुझे बोला ना बीच में मत बोल तो मत बोल। ठीक है, ले दीजिए नंबर दीजिए। किसका? अपनी मॉम का, क्योंकि वही मेरे भाई को बचा सकती हैं अभी। यस, अब आप मेरी मॉम हैं, मुझे आपकी बात सुननी पड़ रही है। ना तो आप मेरी बात सुन रही हैं, ना दादी की बात सुन रही हैं, आप किसी बात सुनेंगे? अपनी मॉम की, राइट? अब मेरी मॉम की मॉम ही मेरे भाई को बचा सकती है, इसलिए नंबर दीजिए। करण तो कैसी बातें कर रहा है? अकल ठिकाने है कि नहीं? कुछ समझता ही नहीं है, इतनी सीरियस सिचुएशन है और तुझे मजाक सोच रहा है? तो क्या? तुम वहां खड़ी खड़ी क्या देख रही हो मुझे? हाँ तुम ही ने मेरी इमेज सबके सामने खराब की है। अब इसे क्यों डांट रहा है? अरे क्यों ना डांटू यार, यही मेरे बारे में नेगेटिव पब्लिसिटी करती रहती है हर वक्त, तभी मेरी बात पे कोई यकीन नहीं करता, कोई मेरी बात पे विश्वास नहीं करता, कोई मेरी बात को सीरियस नहीं लेता, सब इसी की वजह से। लेकिन अगर मुझे अपनी मॉम की मॉम का नंबर चाहिए तो चाहिए, क्योंकि मुझे यही पता है कि अब मेरी मॉम की मॉम मेरे भाई को बचा सकती है। करण, ऋषभ तेरा भाई है तो मेरा बेटा भी है, जितना प्यार तू अपने भाई से करता है उतना ही प्यार मैं अपने बेटे से करती हूँ। आखिर वो मेरा बड़ा बेटा है, कैसे प्यार नहीं करूंगी उसे? अगर तुझे तो बात करना ही बेकार है। क्या? बात करना ही बेकार है, ये सब भी ना तुम्हारी वजह से हो रहा है। बात करना ही बेकार है, कोई मुझे सीरियस नहीं ले रहा, देख रही हो, तुम्हारी वजह से। ठीक है, मेरे पास भी एक आइडिया है, अगर आपने अभी मेरे भाई की शादी इसी वक्त कराने की जिद नहीं तोड़ी ना तो मैं भी आपसे बात करना बंद कर दूंगा। परंतु ये कैसी बातें कर रहा है मेरी बात? नहीं तू ये बात इनको समझा यार, अपनी और मेरी सौतेली माँ को। जैसी बातें ये कर रही है मुझे इनसे बात नहीं करनी, दैट्स इट। ठीक है, तुझे मुझसे बात नहीं करनी ना, मत कर बात। लेकिन मैं ऋषभ की गलती की सजा शर्लिन को नहीं दे सकती, उसकी जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकती मैं। शर्लिन की जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकते, इसका मतलब ये प्रूव हो गया कि ये हम दोनों की सौतेली माँ है। मैं जानती हूँ तू ये सब कुछ मेरा दिल दुखाने के लिए बोल रहा है, मुझे इमोशनली ब्लैकमेल करना चाहता है तू,
करण समझने की कोशिश क्यों नहीं करता? ऋषभ ने जो गलती की है वो कोई छोटी मोटी गलती नहीं है, बहुत बड़ी गलती है। मुझे मुझसे बात नहीं करनी ना, मत कर। मेरी बात नहीं माननी मत मान, लेकिन मैं तेरी एक भी बात नहीं सुनने वाली। आरती जी क्या कर रहे हैं प्लीज यार। करीना दी अब आप ही समझाइए इन लोगों को। आप शांत हो जाइए भाभी, आपने जो भी फैसला लिया है बिल्कुल सही लिया है। इन सब की टेंशन आप मत लीजिए। लेकिन ये लोग समझने को तैयार ही नहीं। लेकिन शर्लिन ने बहुत ही समझदारी का काम किया। क्या अब क्या किया उसने? इतना सब कुछ होने के बावजूद शादी के लिए मना करके चली गई अंदर। इसका मतलब जानता है तू? क्या इसका मतलब? ये है कि वो हमें रियलाइज करवाना चाहती है कि कमरे में जो कुछ भी हुआ वो शर्लिन ने जानबूझ के नहीं किया, ताकि वो ऋषभ से शादी कर सके। एंड टू बी ऑनेस्ट, मैं आज की मॉडर्न वुमन हूँ। हम 2019 में जीते हैं। एक लड़का और लड़की शादी के पहले अगर अपनी लिमिट क्रॉस कर ले, आई कैन अंडरस्टैंड। पुराने जमाने की बात अलग थी कि उनकी जान ली जाती थी, पर आज के जमाने में उन दोनों की शादी करवा दी जाती है। और बेटा हम लोग एग्जैक्टली वही कर रहे हैं। वही जा बेटा, शर्लिन को शादी के लिए मना गलती तुझसे हुई है ना, तो इस गलती को तुझे ही सुधारना पड़ेगा। कौन सी गलती? कोई गलती नहीं हुई। मैंने तुझसे कहा ना तू बीच में नहीं बोलेगा, तू नहीं बोलेगा, चुप रह। मम कौन सी गलती? ठीक है, इस घर में सब अपनी मर्जी के मालिक है, जिसके दिल में जो आता है वो करता है। सब लोग, कोई किसी की बात नहीं सुनता। ये सब बिना तुम्हारी वजह से हो रहा है, समझी तुम? सिर्फ तुम्हारी वजह से, क्योंकि तुम ही हो जो इस घर में कुछ हो। तुम्हारी बात सुनेंगे सब। तू प्रीता से ऐसी बात क्यों कर रहा है? उस बेचारी की कोई गलती नहीं है। इस घर में सब उसकी बात मानते हैं क्योंकि उसे अपनी बात मनवानी आती है। ओ, तो अब इस घर में सब तुम्हें सब कुछ मानते हैं, तुम ही जाके बात कर लो यार। ओ, तो करण चाहता है कि मैं राखी आंटी से बात करूं। ये शर्लिन के पास ऋषभ जी को नहीं मुझे भेजना चाहता है। राखी आंटी, अगर मैं कुछ कहूं तो आंटी क्या मैं एक बार जाकर शर्लिन से बात करूं? नहीं, मतलब हम सब ने देखा कि बहुत ज्यादा हर्ट है और उसके साथ जो कुछ भी यहाँ हुआ उसकी वजह से मैं सबकी तरफ से उसको सॉरी कह दूंगी। और करण ने जैसे उसके साथ बिहेव किया ना, उसकी तरफ से भी उसे सॉरी बोल दी। शायद वो सबकी गलती माफ कर दे और सब ठीक हो जाए। सही कहा, मैंने कहा ना इसे बात मनवाना आता है। ये हमेशा सही बात करती है, इसे कहते हैं गलती सुधारना। प्रीता, एक औरत ही दूसरे औरत का दुख समझ सकती है। बेटा जा, तू शर्लिन से बात कर, उसे समझा, इस शादी के लिए राजी कर। वैसे तो मैं जानती हूँ करण को अपनी बदतमीजी के लिए खुद माफी मांगनी चाहिए, लेकिन आज इस लड़की का दिमाग ठिकाने नहीं है। रहने दे इसे, तू जा बेटा, शर्लिन को मना इस शादी के लिए। मैंने बार बार कहा था, तुम्हें वार्न किया था कि मेरी बेटी से तुम दूर रहो। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम फिर उसके साथ खड़े हो? मेरी बेटी की जिंदगी तो तुम पूरी तरह से बर्बाद कर चुके हो, और वैसे भी अब बचा ही क्या है बर्बाद होने के लिए। तुम प्लीज मेरी बेटी को बख्श दो, पीछा करना छोड़ दो उसका। प्लीज, तुम्हें भी मैंने वार्न किया था ना, समझाया था तुम्हें भी मैंने, लेकिन तुमने इससे दूरी बनाई नहीं और तुम भी इसके साथ खड़ी हो। आंटी जी प्लीज चिल्लाइए मत। चिल्लाऊं नहीं, मैं चिल्लाऊं नहीं। तुम इतना बड़ा कांड यहाँ कर चुके हो और मैं, एक मिनट लगेगा मुझे फोन करके पुलिस को यहाँ बुलाने के लिए, और तुम भी अच्छी तरह से जानते हो और मैं भी जानती हूँ कि उसके बाद क्या होगा। नहीं मामा, आप ऐसा नहीं कर सकते। अब तुम मुझे बताओगी कि मैंने क्या करना है और क्या नहीं करना है? हाँ मो। शराब, तुम भूल गई कि पिछली बार क्या हुआ था, इसने तुम्हारा क्या हश्र किया था? तुम मेंटल असाइलम पहुंच गई थी, याद है तुम्हें?
मुश्किल से मैंने तुम्हें वहां से बाहर निकाला था। छोड़ दो पीछा मेरी बेटी का। वहां क्या देख रही है? यहां देख। तुझे मैंने क्या कहा था? तुझे मैंने कहा था ना कि इससे दूर रहना, ये आदमी जहर है, जहर। स्लो पॉइजन तुझे मार देगा। देखा, मार डाला ना तुझे, तेरी जिंदगी बर्बाद कर दी ना इसने। अब सब कुछ तेरी लाइफ में अच्छा होने जा रहा है, एक अच्छे लड़के से तेरी शादी होने जा रही है, तो ये फिर से तेरी लाइफ में घुस गया। सही कहा ना मैंने? सही कहा ना मैंने? मेरी बेटी की शादी इस घर में होने जा रही है, वो अपने लाइफ में सेटल होने जा रही है, तो तुमसे उसकी खुशियां देखी नहीं जा रही है, और पिता के जरिए तुम इस घर में फिर से घुस आए ताकि तुम इसकी जिंदगी बर्बाद कर सको। और तुम क्यों, तू अपनी जिंदगी बर्बाद करने पर तुली हुई है? समझ नहीं आती तुझे कही हुई बातें। आंटी जी क्या? देखिए आप प्लीज शांत हो जाइए। तुम चुप रहो। वैसे ही मेरी बेटे की जिंदगी को तुम पूरी तरह से स्पॉइल कर चुके हो। अब उससे दूर रहो क्योंकि उसकी शादी होने जा रही है ऋषभ लुथरा के साथ, समझे? मैं भी तो यही चाहता हूँ जो आप चाहती है। मैं भी यही चाहता हूँ कि ऋषभ लुथरा की शादी शर्लिन खुराना के साथ हो जाए। आपको क्या लगता है कि ऋषभ आपकी बेटी से शादी करना चाहता है? वो आपकी बेटी से शादी नहीं करना चाहता। What nonsense? No, this is not nonsense. This is the fact. पर मैं चाहता हूँ कि ऋषभ और शर्लिन की शादी हो जाए। जी आंटी, वो मैं हूं जो आपके सारे सपने पूरा कर रहा हूं, वो मैं हूं जो आपकी बेटी की शादी ऋषभ से करवा रहा है। एक बात बताइए आंटी जी, जब शर्लिन को मेरे बच्चे को अपने पेट में लेकर ऋषभ से शादी करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आपको क्यों प्रॉब्लम हो रही है? आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, और अगर हो रही है फिर तो ये शादी नहीं होगी। ऋषभ शर्लिन से शादी करेगा ही नहीं। अरे ऋषभ क्या, दुनिया का कोई भी लड़का इसे शादी नहीं करेगा ये जानने के बाद इसके पेट में मेरा बच्चा है। सुनाओ, द बॉल इज इन योर कोर्ट। आप डिसाइड कर लीजिए कि आपको दामाद कौन चाहिए, ऋषभ लुथरा या पृथ्वी मल्होत्रा। नहीं, मैं तो फुल टाइम अवेलेबल हूं, आपका फेवरेट दामाद ना। और अगर मैं आपका दामाद बनता हूं तो सोचिए सोसाइटी में क्या होगा, आपका नाम, आपकी इज्जत। और तो और, चलिए छोड़िए, मैं आप पे ही छोड़ता हूँ। आप डिसाइड कर लीजिए कि आपको दामाद कौन चाहिए, एक बेशर्म या फिर एक सीधा साधा एकदम आइडियल ऋषभ आपकी बेटी के लिए। अरे आंटी जी संभालिए अपने आप को, आइए बैठिए यहाँ पर, बैठिए बैठिए बैठिए। देखिए मैं जानता हूँ कि इतना सब कुछ जानने के बाद किसी भी इंसान को झटका तो लगेगा ही, आपकी जगह और कोई होता तो उसे भी ये इतना झटका लगता। आंटी एक सेकेंड, आंटी जी आप टेंशन मत लीजिए, ओके? ये लीजिए पानी पीजिए, ये पानी पीजिए आप। पानी पीने के बाद ना आप मुझे बता दीजिएगा कि आपने क्या फैसला लिया है। राखी आंटी चाहती है कि मैं शर्लिन को शादी के लिए मना, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मैं उसे इस घर से भगाऊं। लेकिन मैं ये सब करूं कैसे, क्या कहूं, कैसे बात करूं? तुम जानती हो ना मैं क्या चाहता हूँ? जानती, लेकिन वो ये तो एक लड़की है। अरे यार दिमाग से सोचोगे, दिल के दरवाजे बंद करो, दिमाग की खिड़कियां खोलो। तुम अच्छी तरीके से जानती हो कि शर्लिन कैसी लड़की है, ओके? और चलो एक बार मान भी लेते हैं कि वो जो कुछ भी कह रही है वो सच है, तब भी मैं चाहता हूँ कि मेरा भाई उस लड़की से बच जाए, उससे शादी ना करे। ऋषभ लुथरा, मेरी बेटी की शादी सिर्फ ऋषभ लुथरा से होगी। यार मेरा भाई नशे की हालत में था, वो खुद कह रहा है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन शर्लिन कह रही कि हुआ। मुझे पूरा यकीन है ये लड़की कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर कर रही है। वो तो इवन आई एम श्योर, मैं भी जानती हूँ, लेकिन 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 कुछ नहीं पीता होगा, नो इफ्स एंड बट्स एंड नो किंतु परंतु। अरे तुम भी ऋषभ को अच्छी तरीके से जानती हो, ऐसा लड़का ही नहीं कि ये सब करे यार। अगर उसे किसी से प्यार भी हो जाएगा ना, खुद जाके उसे बता नहीं सकता वो, ये सब करेगा वो। और मुझे तो लगता है वो शर्लिन से प्यार व्यार नहीं करता, आई मीन शायद वो किसी और से प्यार करता है। व्हाट, ऋषभ जी किसी और से प्यार करते हैं? हाँ, और मुझे तुम पे पूरा भरोसा है कि उस लड़की से मिलवाने में तुम उसकी हेल्प करोगे।
मैं हेल्प करूंगी? मैं कैसे मिलवाऊंगी? मुझे तो पता नहीं। छोड़ो इन बातों को, छोड़ो, रिलैक्स, अभी शर्लिन पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं। मैं बस ये चाहता हूँ कि तुम जाके शर्लिन से बात करो, कुछ ऐसा करो जैसे वो खुश शादी से बैकआउट कर जाए। दैट्स इट, शर्लिन ठीक लड़की नहीं है, प्लीज डू इट फॉर मी, मेरे लिए। हाँ तुम ठीक कह रहे हो, शर्लिन बिल्कुल अच्छी लड़की नहीं है, वो बिल्कुल वैसी नहीं है जैसी वो दिखती है। वो कैसी है अब वो खुद अपने मुंह से बताएगी। मैं उसके मुंह से सारा सच खुलवाऊंगी।